राम राम नमस्कार देवेन। उत्तर प्रदेश झांसी जिला के मऊरानीपुर विधानसभा मऊरानीपुर थाना के अंतर्गत ग्राम रोनीजा गांव का मामला है। इनकी तस्वीरें हो गई कैद। जैसे पहले देखा देख सका तो पूरी तस्वीरें ये बहुत भयंकर कुटे पिटे अच्छी खासी मार घड़ी इनकी। बता दें कुल्हाड़ियों से बार करोगे रोनीजा के अंदर एक ही बिरादरी के हैं, जे भी अहरवार है जिन्हें मारा पीटी करी, वे भी अहरवार है। जाने आखिरकार का पूरा प्रकरण है का बात पे मारा पीटी भाई। और आज खूनी संघर्ष होवे के बाद झांसी के कप्तान साहब से मिलवे आए, उनसे जाने की भर्ती होवे कहानी गए और पुलिस में कहानी गए मऊरानीपुर थाने के अंदर। कानो स्वामी ने कर रहा करम जी लखन ने भागीरथ ने गाँव के मोहल्ला के पड़ोसी बात पे झगड़ा होगा जो हमारी बाउंड्री पटक दी। पहले बाउंड्री पटक दी हमारी और फिर हमने कही कि भैया पानी मत डालो हमारे यहाँ, उनका बोल चलता है हैं। और फिर हमने कही पानी मत डालो, बोले नहीं पानी जाएगा यही हो जाएगा। हमने कही नहीं जाएगा बस। फिर तो लोग ले आए अपनी कोई तो सारे मारने लग गए हमको। तो दवाई तो नहीं डाले थे तुम पर टाइम पे? नहीं दारू मारू तो नहीं हम पे कभी नहीं पीते हैं। अच्छा अचानक बार कर रहा हम दारू मारी तो एक सी बात करी तुमने तो बिल्कुल नहीं बेकार। 6-7 जने थे। अच्छा हाँ जी तुम अकेले थे? हम अकेले थे। तुमने कोई गाड़ी मारी तो नहीं देखी ना जी? का कही तुमने? हमने बस यही कही कि भैया हमारे इधर पानी नहीं आएगा हमारी जमीन में। अच्छा हमारे प्लॉट में नहीं आएगा। अच्छा इतनी सी बात? हाँ इतनी बात देखो आप वो बचा दो पर तुम्हें हमें कोई नहीं आया बचा। अच्छा हम गिर पाए जमीन पे कोई नहीं आया कोई नहीं आया। फिर बाकी बात कहते गए फिर तुम घरे आए? हम घरे नहीं वहीं डाले रहे। वहीं डाले रहे तीनों उठा फिर घरे तो हमारी घरवाली आई। अच्छा इसने तो आया थाने नहीं गए? थाने गए थे उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की पैसा ले लिया है। अच्छा और भाभी ने इतना पैसा दिया है किए था पैसा दरोगा जी का? अच्छा हाँ जी तुम्हारा मामला लिखा नहीं है रिपोर्ट? कुछ नहीं मेडिकल भाव नहीं बात हुआ ऐसे क्या करूँ मेडिकल जो चोटे नहीं हमको तो दर्द हो रहा है बहुत। इनने दही एप्लीकेशन पत्नी है इनकी। तुम बताओ बहन जी कैसे का आपके पति को मारा पीटी भाई कहाँ है पूरा प्रकरण? पूरा पाई कहीं ये है कि हमारा प्लॉट बना था हमने बाउंड्री बना लिया था इनने हमारी बाउंड्री गिरा दी सब बल से तोड़ तोड़ कर। अब है सो अपने सम्बल से बल का पानी हमारे यहाँ डालते हैं तो हमारे पति ने रोका है तो उसने फरुआ उठा के हमारी तरफ बड़ा बना के पानी डाल दिया है। तो इसने रोका है तो केरा साले यहीं हो जाएगा पानी तू बंद कर कैसे कर रहा है? तो इनने जाके कि हम बंद करेंगे हम सम्बल सीवल का पानी नहीं जाने देंगे। बारिश का पानी तो है कोई का जाता है तो सम्बल सीवल का पानी 6-7 साल से डाल रहा है। तो हम कम खाते रहने कुछ नहीं बोली इनने इतनी मना किया तो इनको मारने पीटने लग गया। हाँ कोई नहीं बीच बचाव करने आया जिससे जो कोई भी चाहता था उसी को गाली दे रहा था कोई जिस वजह से आया नहीं है लाठी को लारी और सारी हंसा मारा है। हमारा पति जमीन में गिर गया है किसी ने नहीं उठाया। कितने घंटा बाद गए? हम एक घंटा बाद गए थाने। हाँ थाने ने हमको ऐसा मारा है तो थाने वाला ने कही ठीक है हो जाएगा जो कुछ मेडिकल कराया था ऐसी कोई बंटी का कर दिया है उसने पैसा भर दिया डॉक्टर को उसे कोई सुनाई नहीं किया छोट मोट थोड़ी थोड़ी चोटें लिख दी है वो बस देनी जहाँ घाव है वहाँ लिखा नहीं है फ्रैक्चर है वो भी नहीं लिखा है। आज हम झांसी में आए एसपी साहब के साथ। हाँ आपका चाहने जो अब जो चाह रहे कि हमारा कानून लगाए कुछ होना चाहिए। हाँ हम बहुत परेशान चल रहे हैं। लला से भी चर्चा करे थे बगल में पिताजी के कहा भैया तुम्हें कभी पता चली पिताजी के इतने सवेरे 7 बजे इनने बात की हमसे बोले तुम्हें आने नहीं है रक्षाबंधन को टाइम है। हमने की ठीक है बाबा आ गए मथुरा में रहते हैं मथुरा में का बेलदारी करते हैं ठीक है। तो इनने बात की अब जी गए बेड़ा में तो बेड़ा में गए तो पानी मानी पे बात बतका हुआ उनको टटिया खोल रहे थे तो इनने कहा कि यहाँ पर पानी ना जाए तो वे लोग आ गए मारने के लिए। हम थे मथुरा में अब जी थे अकेले तो उनने कुल्हाड़ियों से सरियों से लोहा की पाइपों से मारी। अब वहाँ थाने गए जे फिर भी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ उनने सीधा डॉक्टरी के लिए भेज दिया। 7 तो टाके हैं इनके सिर में 7 टाके हैं सिर में इनके तो अभी उनका कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट बना दी और वो बढ़िया कुर्सी पे बैठे थे बिंदास। कोई मुलजिम होता तो कुर्सी पे बैठता है थाने में कुर्सी पे बैठे थे। हाँ सही बात है कुर्सी पे बैठ के बॉस के साथ पैसा भर दिया सबको डॉक्टर को दिए पैसे थाने में पैसा दिया है। अगर पैसा नहीं दिया होता है ना तो कार्रवाई होती 24 घंटे हो गए हैं बढ़िया घर घूम रहे हो थाने से गए हैं 1 घंटा रुके वहाँ पर घूम घाम के पैसे मैसे दे के घर पहुँच गए। मतलब कुल मिला के गरीब को कोई नहीं है? कोई नहीं है गरीब। अब हमारे एसपी के साथ अगर नहीं हुआ तो हम लखनऊ भी जाएंगे अगर नहीं होगा तो थाने के सामने तीनों आदमी जान दे देंगे। अच्छा हाँ नहीं होगी सुनवाई तो सीधा थाने के सामने
जान दे देंगे और थाने वालों को लगेगी। दादा जी बताओ इतना सब हम अकेले अकेले लड़का हैं। अच्छा हाँ बस हमारे तीनों हैं माता पिता और अकेले हम तो ना कोई हमारा के समाजी के हैं नहीं परिवार के नहीं है गांव मोहल्ला के हैं हाँ समाज के हैं मोहल्ला के हैं। अच्छा तो बताओ क्या करें अगर सरकार नहीं सुनेगी कोई नहीं सुनेगा तो हम कहाँ जाएंगे आत्महत्या तो करनी पड़ेगी क्या करेंगे अंत में का क्या बचा रहा है कि आपको न्याय मिले हमें खुद न्याय चाहिए न्याय मिलना चाहिए आता फिर कहा है दो चार अंडा बाद खुद घलवा दो सुबह सुबह बस यही चाहते हैं हम कुछ नहीं चाहते नहीं रह नहीं पाते कल लगाए थे तो रात में आ गए थे ले कुलाड़ी में लड़का है माँ बोली निकल पाता है रास्ता में पिलोट से पिलोट लगाए रात में जाने दिन में जाने कभी भी मार सकता है बोला हम जान से मारेंगे लड़का को आदमी को तो मार दिया लड़का के लिए फिर जान से मारने जो पूरा प्रकरण मऊरानीपुर थाना के अंतर्गत रोनीजा गाँव को है एक ही गाँव को है वे भी एक ही समाज की है जे भी एक ही समाज की है। अब सवाल जो है कि 7-8 टाक या यानी कि इसके अलावा छोटे हैं जोन धारा लगने चाहिए बाधारा इनके हिसाब से नहीं लगी। अब देखे वाली बात है कि आखिरकार जो कप्तान साहब के आए हैं एसएसपी साहब कौन से दरोगा को मऊरानीपुर को जांच पर बिठाने का काम करेगी और उनको न्याय मिलेगा जो धारा लगने थी बेधारा कहानी लगी पूरे कर्म कर दे अच्छी खासी मारा पीटी भाई बेचारे जो गरीब आदमी बता रहे कि वे धड़ल्ले से कुर्सी पर बैठे थे आखिरकार सच्चाई कहा है पुलिस काय मनमानी कर रही इसी तरीके से चलेगी तो पीड़ितों को कैसे न्याय मिलेगा। धन्यवाद नमस्कार जयराम जी की।